Good morning students. Today we will discuss the last topic of chapter State Government. This is our Union Territories. Union Territory means the area governed or administrated by the central government. We have already discussed about that in India, there are two types of government working first central and second state union territories why union territories governed by the central government because these areas are small in size and with less population except delhi दिल्ली को छोड़कर बाकी सब साइज में भी छोटे हैं और उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है एंड दिल्ली डेट इज़ व्हाई द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली इज़ नाउ कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एन सी टी एंड वी हैव एट यूनियन टेरिटरीज नाउ एट प्रजेंट वी हैव एट यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट अंदमान एंड निकोबार आइलैंड सेकेंड लक्षदीप थर्ड पुडुचेरी फोर्थ अब जो ये फोर्थ है दादर नगर हवेली एंड फिफ्थ दमन एंड दीव इनको एक साथ लिखा जा रहा है दादर एंड न... नगर हवेली दमन एंड दीव नेक्स्ट आपकी फिफ्थ आती है चंडीगढ़ सिक्स्थ दिल्ली सेवेंथ आपकी लद्दाख है और एर्ट है जम्मू एंड कश्मीर जो अभी पुरानी बुक्स में मेंशन पुराना ही है नई बुक के अकॉर्डिंग अब नया मेंशन होगा लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर jammu and kashmir your new union territories in this way we have eight 28 states and eight union territories okay who administrate the union territory administration of union territory come under lieutenant governor or chief commissioner basically these two people uh, are appointed बाई द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर इनको प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं जो यूनियन टेरेटरी को एडमिनिस्ट्रेट का शासन चलाते हैं ओके एंड डेली डेली हैज़ एन इलेक्टेड असम्बली एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैडेड बाई द सी एम एज वेल एज अफ्टिनेट गवर्नर एक्सेप्ट डेली मैंने हमने पहले भी जिक्र किया कि डेली एक इलेक्टिव असेंबली भी है ठीक है जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिनका हेड सीएम है साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है क्योंकि दिल्ली जो है वो कैपिटल ऑफ इंडिया है उसको कैपिटल का भी दर्जा दिया गया है और यूनियन टेरिटरी का भी ओके नाउ कम ऑन दिस फ्लो चार्ट इंडिया इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रांग सेंटर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डैट इन इंडिया देर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर वर्किंग first is central and second is state government that is why uh, indian uh, india in india there is a federation system india mein jo hai federation system hai means do tarah ki government kaam karti hai central and state uh, we will better understand the system with the help of this flow chart कि हमारी जो government है वो कैसे काम करती है किस किस में उसका subdivision डिवीजन है फर्स्ट सबसे टॉप पर है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वर्किंग फ़ॉर द होल नेशन जितने भी स्टेट्स हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं अंडर द सेंट्रल रूल्स ओके उसके नीचे है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फॉर द होल स्टेट जैसे हरियाणा है तो वो हरियाणा गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हरियाणा के लिए काम करेगी ओके okay. नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ईच स्टेट इज डिवाइडेड इन टू डिस्ट्रिक्ट क्यों बांटा गया है डिस्ट्रिक्ट में फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री और द एडमिनिस्ट्रेशन की भाई कंट्री को अच्छी तरह से चलाया जा सके इसलिए उसका सब डिविजन किया गया ओके okay? नेक्स्ट हमने डिस्कस भी किया था कि इन इंडिया में सेवन थर्टी नाइन डिस्ट्रिक्ट है एट प्रजेंट और हरियाणा में कितनी है ट्वेंटी टू डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन विज एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय द ग्राम पंचायत आपने सबने इनसेक्स क्लास यान चैप्टर रूरल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट तो रूरल गवर्नमेंट जो है वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंदर चलता है पंचायत ग्राम पंचायत हेडेड बाय पंच ओके स्टूडेंट दिस इज ऑल ओवर हेयर एंड योर चैप्टर इज कंप्लीटेड ओके आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो यू विल फाइंड आउट द रिमेनिंग बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स ओके स्टूडेंट्स थैंक यू हैव अस डे